लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं सानिया जैन। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इंदौर में वाहन चेकिंग के दौरान दंपत्ति से मारपीट करने वाले दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच तेज रफ्तार बस की शिकायत करने चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने की थी मारपीट। इंदौर में गुंडागर्दी पर उतर आए रिक्शा चालक बाइक टैक्सी वालों के साथ गाली गलौज कर की मारपीट, बाइक टैक्सी के विरोध में किया प्रदर्शन। शिलांग की रहने वाली एक लड़की सागर में वैश्यावर्ती के गृह में फंसी, पुलिस ने लड़की को इस दलदल से बचाया। इंदौर में माणेश्वरी ट्रेवल की बस लापरवाही पूर्वक चलाई जा रही थी, एक दंपत्ति ने शिकायत पुलिस को की तो उल्टा पुलिस ने ही दंपत्ति को पीट दिया। इसके बाद तो मौके पर हंगामा मच गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। सदर बाजार थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने एक दंपत्ति के साथ मारपीट की। महिला के हंगामे के बाद वहां ढेरों लोग जमा हो गए और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हंगामा देख अधिकारियों ने मारपीट करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को तुरंत लाइन अटैच कर दिया। वहीं पूरे मामले की CSP जांच कर रहे हैं। पोलो ग्राउंड पर चेकिंग कर पुलिस के पास पहुंचकर केवल दंपत्ति ने शिकायत की थी कि वाणेश्वरी ग्रुप की बस ने उन्हें टक्कर मारी। दंपत्ति ने बस को रोकने के लिए भी कहा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने बस को तो जाने दिया, उल्टा दंपत्ति के साथ मारपीट करने लगे। दंपत्ति का कहना है कि बस वाणेश्वरी ग्रुप की थी, उस पर गोलू शुक्ला भी लिखा हुआ था जो कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के परिवार का है, इसलिए पुलिस वालों ने बस को जाने दिया और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद पुलिसकर्मी महिला के पति को सदर बाजार थाने ले गए। महिला चिल्लाती रही कि पुलिस वाले उन्हें सदर बाजार थाने ले गए हैं, उन्हें वहां भी मारेंगे, उन्हें बचाओ, लेकिन महिला की सुनने वाला कोई नहीं था। पीड़ित महिला ने एक महिला पुलिसकर्मी पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल उस महिला पुलिसकर्मी पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस की बर्बरता को देख लोगों ने मौके पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे CSP ने SSI सुरेश यादव और हेड कांस्टेबल सुरेश भदौरिया को तत्काल लाइन अटैच कर दिया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। महिला कह रहा है कि यहाँ पे चेकिंग पे जो पुलिस वाले थे यादव और भदौरिया, उन्होंने लात मारी है उन्हें, उनके पुलिस वालों को भी, उनके पति को भी पुलिस वाले सदर बाजार पकड़ के ले गए हैं, उन्हें स्पॉट से ही भाग गया। चोरी पैसे लूटने का काम होते हैं, पैसे लूटो और कोई काम डॉक्यूमेंट निकाले उतनी देर मेरे हस्बैंड को मारने लगे, मैं बचाने गई तो मेरे को मारने लगे। भदौरिया और यादव और वो लेडीज जो खड़ी थी उसने भी गाड़ी चला रहा है और हम लोग को कट मार के गया, और हमारे साथ जो दूसरे जो बाइकर्स है वो लोग भी उसके प्रभावित हुए। उसके बाद हम आगे गए, हमने लगा कि आगे जाके चेकिंग पॉइंट पे इनकी कंप्लेंट करेंगे। बस को रुकवाया, बस धीमी भी हुई बैरिकेड्स लगने की वजह से, पर एक पुलिस वाले ने हाथ देके उसको दूर कर दिया, जाओ जाओ। वो इसलिए करा क्योंकि उस पर गोलू शुक्ला बाणेश्वरी लिखा हुआ था। क्या हुआ फिर, यहाँ थाने पे लाए, यहाँ भी आपके थाने पे नहीं? फिर उसके बाद हम लोगों ने उनसे बोला कि सर आप लोगों ने हमारे सामने और आप लोग 6-7 लोग और गाड़ी गाड़ी आपने हमारे सामने से जाने दी और आप लोग इतने सारे लोग हो के 8-10 लोग पूरे पुलिसकर्मी होने के बावजूद आपके आंखों के सामने से गाड़ी चली गई, तो वो ये बोल रहे कि गाड़ी तो चली
दी गई, जो करना है कर लेना। वो इसलिए क्योंकि बाणेश्वरी का टेक था और वो जो गलत तरीके से गाड़ी चला रहे ड्राइवर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी ना, उनको आगे जाके पकड़ा। और ऊपर से हम लोगों ने जो बोला कि सर आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, तो बोले कि आप थाने जाके रिपोर्ट लिखाओ। अब हम थाने जाके रिपोर्ट लिखाया, गाड़ी का नंबर नोट ना तो पुलिस वालों ने करा और ना हमको करने दिया। और फिर उसके बाद जब हमने थोड़ा सा मतलब मेरी वाइफ ने आर्ग्यूमेंट करा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोगों से जब कंप्लेंट करी गाड़ी रोकने का तो आपने ऐसा करा, तो ये पुलिसकर्मी यादव कोई सरनेम है उनका, तो राम कुमार यादव, तो उन्होंने अभद्र से बात करी है कि आप यहाँ क्या लुटवाने के लिए आती हो, मतलब इस गंदे तरीके से और अभद्र से बात करी। तो सुबह एक बात है, एक लेडीज़ होके जब कोई व्यक्ति चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोई भी, अगर इस तरीके से बात करेगा तो उसका मतलब गुस्सा करना जायज़ है। जब उसने आर्ग्यूमेंट करा कि इस तरीके से क्यों बात करी, बस इतना सा बोला, उसके बाद उन्होंने लेडीज़ पे एकदम डायरेक्ट तो हाथ नहीं उठा सकते थे, तो वो चारों लोग आके मेरे पास आके मेरे हाथ पे पूरी तरीके से ये डंडे से भी मारा और हाथ से भी मारा, कड़े से मारा और लातों से मारा। उसके बाद जब ये मेरी वाइफ मेरे को बचाने आई तो चारों पांचों पुलिसकर्मी ने घेर के इसको भी पैर पे मारा और गाल पे भी मारा, सिर पे भी मारा, और एक जो महिला पुलिस थी वो भी शामिल हो गई, उसको भी शामिल कर दिया कि हम लोगों पे बोली हो। ये ऐसा हुआ आज पोलो ग्राउंड पे एक्टिव ऑफिसर उठा के ग्रुप से जो पुलिस की चेकिंग चल रही थी, चेकिंग लगी हुई थी, फिर वो देख लिया था उसको पीछे कट गई। उस चेकिंग के दौरान बंसल दंपत्ति है वो स्कूटर से वहाँ से निकले थे, मगर किसी बस से आगे कहीं एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में उन्होंने वहाँ आकर जो पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे थे उनसे उस बस को रोकने के लिए कहा, वो बस वहाँ से निकल गई। इस बात को लेकर विवाद हुआ कि आपने बस को नहीं रोकी, और वहाँ पर जो कहा सुनी हुई बंसल दंपत्ति का ये आरोप है कि जिसने उनके साथ में मारपीट की है, अब शब्दों का प्रयोग किया है और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई। इस बात की शिकायत उन्होंने पुलिस में लिखित की है, उसकी जांच की जा रही है और जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई की है तत्कालीन प्रभाव से। अभी वहाँ पर जो सर्वेश्वर के ASI यादव और जो थे उनको लाइव अटैच हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। बाइक टैक्सी को बंद करने के विरोध में रिक्शा चालकों ने लामबंद होकर इंदौर के भवरकुआ थाने पर प्रदर्शन किया। उधर बाइक टैक्सी को बंद करने के लिए रिक्शा चालक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। सरेआम बाइक टैक्सी चलाने वालों को गाली गलौज कर मारा पीटा जा रहा है। इस दौरान रिक्शा चालकों ने नारेबाजी करते हुए बाइक टैक्सी को बंद करने के लिए अपने स्वर बुलंद किए। गौरतलब है कि इंदौर में इन दिनों बाइक टैक्सी जोरों पर चल रही है, इसी को लेकर रिक्शा चालकों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। इसका किराया भी सस्ता है, इस कारण ये ज्यादा चलन में आ गई है। वहीं रिक्शा चालकों को परमिट और अन्य सभी दस्तावेज पूरे रखने पड़ते हैं, जबकि बाइक टैक्सी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी को लेकर रिक्शा चालकों ने विरोध किया। वहीं दूसरी ओर रिक्शा चालक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और बाइक टैक्सी वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। बाइक टैक्सी का किराया कम होने की वजह से रिक्शा चालकों की गुंडागर्दी हावी हो रही है। इस दौरान एक रिक्शा चालक ने एक बाइक टैक्सी वाले के साथ गाली गलौज और मारपीट की। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि रिक्शा चालक ये कहते हुए युवक को मार रहा है कि रिक्शा चालकों को बदनाम कर रखा है। युवक के साथ गाड़ी का परमिट होने की भी बात पूछते हुए मारपीट की गई। मारपीट के दौरान रिक्शा चालक ने दोबारा ये वाहन नहीं चलाने की भी धमकी दी है। तो भैया इसमें मतलब आपकी कमर्शियल कहाँ से आएगा? कमर्शियल मतलब कहाँ से आएगा आपका? तो फिर आप चला रहे हो बाइक, तो उसका मतलब बताओ हमें। ये गाड़ी खड़ी है, देखो पीली प्लेट है इसकी, पीली प्लेट नंबर है इसकी, पीली प्लेट है, प्राइवेट गाड़ी है। बता दे एक बार तो भैया को वीडियो वीडियो बताओ भैया। क्या बात है, ये लेटेस्ट वाला, ये वीडियो देखो भैया। हाँ वीडियो तो बन गया, हाँ वो तुम्हारे पास तो है। ये देखो भैया वीडियो, ये हम आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं। एक बार हमारी हाँ सही बात है, सोचो क्योंकि तुम है ना, मतलब पहले मेरी बात सुनो। 9000 का बीमा होता है गाड़ी में, परमिट आ रहा है 25000 का, मीटर 25000 का।
फिटनेस प्लस हो रही है 5000 का। तो भैया हम कहाँ से क्या आके थोड़ी ना आके देंगे इनको पैसा, हम यही बोल रहे हैं आपको। तो भैया इससे हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप है ना थोड़ा सख्ती हो जाओ, क्योंकि भैया आप बाइक और ये बंद कर दो, क्योंकि अगली बार कोई नहीं समझाएगा कि आप वीडियो देख रहे हो, ये जो वीडियो देख रहे हो इस तरीके से कोई बाइक चला गया। ये बंद कर देना, ये बंद कर देना ना, ये इसको निकाल। क्या परमिट है, क्या है तेरे पास में कि तू ये चला रहा? सरकारी चीज़ है तेरी, प्राइवेट है ना तेरी? ए इसको निकाल के रख, प्राइवेट है ना तेरी? तो फिर तू सरकारी चीज़ क्यों चला रही है, बता मेरे को। क्या चीज़ बता रहा तू, किस आधार से चला रहा? तेरे पास गारंटी है कोई? तेरे पास खुद की गारंटी है? गारंटी भी तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे खुद की गारंटी है तेरे पास? तेरी नंबर प्लेट लगी तेरी गाड़ी में? ये नंबर प्लेट लगी है? तो जो लगा के देंगे वही तो लगाएंगे। हाँ जो लगा के देंगे वही तो लगाएंगे। अबे ऐसा लपड़ दूंगा, बंद कर देना ये तुम्हारी। तेरी में ये बंद कर देना, ओला चुगनू ये रिक्शे में, ओला चुगनू चल रहे, तुम्हारी गारंटी है। आज कल से मेरा कुछ जाएगा, सबको कुछ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। शिलांग की रहने वाली एक लड़की सागर में वैश्यावृत्ति का गृह चलाने वाले लोगों के हत्थे चढ़ गई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही उक्त लड़की को इस दलदल से बचा लिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सपना निवासी मकरोनिया को गिरफ्तार कर लड़की को शिलांग पुलिस को सौंप दिया है। मीडिया को जानकारी देते हुए सागर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने बताया कि शिलांग की रहने वाली क्वीन मैरी नाम की लड़की को शिलांग की ही जूलियाना नाम की लड़की ने काम दिलाने का लालच देते हुए दिल्ली बुलाया। दिल्ली से उसे सागर की शिल्पी नाम की लड़की बहलाकर सागर ले आई और उसे सब लोग होटल में ठहरा दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने उस लड़की को सपना के पास से बरामद कर शिलांग पुलिस को सूचित किया। शिलांग पुलिस क्वीन मैरी को लेने के लिए सोमवार को सागर पहुंची। अपने संगुल में लेकर ये जो लोग थे जो इसको किसी न किसी गलत कार्य में, प्रोस्टिट्यूशन के कार्य में धकेलना चाह रहे थे, उसको हमने रोका। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। वीरसलपुर नगर का सरस्वती विद्या मंदिर बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रवि शरण सिंह चौहान की कड़ी मेहनत से विद्यालय उपलब्धियों को छू रहा है। अनुशासन और बेहतर शिक्षा के लिए वीसलपुर का सरस्वती विद्या मंदिर नंबर वन पर है। यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रवि शरण सिंह चौहान ने बच्चों के भविष्य को बेहतर करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है। मासिक परीक्षा में जो बच्चे अच्छे स्थान पर हैं या अच्छे नंबर लाते हैं, उन बच्चों के परिजनों को पूरे विश्वविद्यालय के सामने सम्मानित किया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है, जिससे अन्य बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। विद्या भारती से संचालित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी बड़े बड़े कार्य किए हैं। विद्यालय में सैकड़ों लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन प्रधानाचार्य ने विद्यालय के रुपयों से करवाया। को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया हमने विभिन्न तरीके से अपना रखी है, जैसे शैक्षणिक दृष्टि से जो हमारे बच्चे मासिक टेस्ट में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं अपनी कक्षा में, तो उन बालक के माता पिता, उनके बाबा दादी या नाना नानी, उनको हम वंदना सत्र में बुलाते हैं, उनको एक प्रमाण पत्र देते हैं और जो भी प्रतीक चिन्ह के रूप में हमें देना है वो साथ में देते हैं। वंदना सत्र में माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन कराते हैं, पुष्प अर्चन कराते हैं और उसके बाद में पूरी वंदना में वो सम्मिलित रहते हैं और फिर उनको एक सूक्ष्म जलपान करा करके और उनका आशीर्वाद लेकर के मैं उनको यहाँ से विदा करता हूँ। उसका इतना अच्छा परिणाम है कि बालक तो हमारा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ माँ बाप और उसके भी जो उनको सबके भी जो अभिभावक हैं वो हमारे विद्यालय से जुड़ते हैं, हमसे जुड़ते हैं। और जो विद्या भारती का एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है कि विद्यालय बाउंड्री रहित होना चाहिए, तो बाउंड्री रहित होने का मतलब यही है विद्यालय समाज से जुड़े और समाज विद्यालय से जुड़े। बीसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। सागर मकरोनिया रेल खंड पर एक दिल दहलाने वाला घटनाक्रम हुआ। यहां के रेलवे गेट नंबर 29 पर सोमवार सुबह एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि महिला रेल लाइन पार कर रही थी, तभी ये हादसा हो गया। महिला की पहचान पार्वती बाई सेन 70 वर्षीय ग्राम सेमराबाग के रूप में की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में मानवीय मूल्यों को तार तार होते देखा गया। प्रकरण में जीआरपी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मृतका का शव घटना के बाद लगभग एक घंटे तक पटरियों पर पड़ा रहा और उस पर से ट्रेनें निकलती गईं, लेकिन उसके शव को उठाने जीआरपी पुलिस नहीं पहुंची। घटना की जानकारी जैसे ही मकरोनिया थाना पुलिस को लगी तो पुलिस ने मृतका के शरीर को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज सुबह सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला रेलवे ट्रैक पर मृत पड़ी हुई है। जाके मौके पर जाके देखा गया तो एक महिला जो करीब उम्र उसकी 70 वर्ष थी पड़ी हुई थी। आसपास के लोग भी उपस्थित हो गए जिनके द्वारा उसके महिला की शिनाख्त पार्वती बाई वाइफ ऑफ शुक्ला सेन निवासी सेमराबाग के रूप में की गई है और ट्रेन एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।